मेरा जो सवाल है जी जी बिस्मिल्लाह भाई से शुरू करूं मैं जी ठीक है उसके बाद सर आता हूं अगर आपने कहीं जाना आप हो आए तब तक बिस्मिल्ला करते हैं सर थोड़ा तीन महीने का सवाल कभी सर कभी आपकी बेगम ने आपको जुगत लगाई हो जुगत वगैरह कर देती है कर देती है चलते फिर अच्छा मुझे कोई बताएं कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपको पिच करके लगाई हो वो घर में गमला था तो मैं खुद ही पकड़ के ना ऐसे कर रहा था पीछे खलोती सी कहते सलीम साहब जिहड़ा काम नहीं होता उन्हें हाथ नहीं पाईदा सर वही सवाल आपसे नहीं कभी आपको जुगत लगाई भाभी ने मुंह से जुगत निकल गई हो जी बड़ी बड़ी अच्छी जुगत उसने की है हालांकि वो बेचारी सीधी साधी मैंने अपने बेटे को कहा मैंने कहा यार वो हेडफोन मुझे ला के दो वो लेके आया तो मैंने वो निकाल के डिब्बे में से मैंने यूं करके लगा के मैं यूं देख रहा हूँ मैंने कहा ओके मेरी तरह देख के मुझे कहती ला दे लगदा हॉट पॉट दा टकने सर कोई कॉमेडियन जिसकी बात पर आपको हंसी आती हो या जिसकी अपीयरेंस पे ही आप कहते हो यार ना करो हटा लो इसको हाँ बड़े लोग हैं जो अच्छी बात टाइमिंग पे हो जाती है उस पे तो रहा नहीं जाता तो लाफ्टर भी देते Would you like to, कुछ अमानुल्लाह साहब जो आम बात भी करते थे ना तो हम कहते ये सीरियस बात भी कर रहे कोई अमान साहब दी गल सुनाना पसंद करोगे मैं नवी गड्डी ले ली उहदे च बह गए वाह 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 क्या बात तो मैं थोड़ा सा तेजी कहिंदा बेटे नवी गड्डी लई इहदा मजा लै हालांकि तेरी शक्ल है ही नहीं इस गड्डी वाली मैं कहा मान साहब वह भी तो तेज निकले ही है कहिंदा वो बड़ी बड़ी अच्छी बात है घर दस के आए कि अम्मी मैं हॉस्पिटल ही मिलांगा हमारे भी चीज का मजा लईदा अय्यूब मिर्जा हमारा एक आर्टिस्ट है एक दिन ऐसे बैठे हो कहता मैं अमानुल्लाह दियां दौड़ा लवाइया तुम्हें इस गल का पता है मान साहब बैठे थे मैंने कहा मैं क्या मान साहब मिर्जा साहब कह रहे ने कि मैं अमानुल्लाह दियां दौड़ा लवाइया कहते पुत्र गल पता की है पागल जे आदमी है एदे हाथ च इट सी मैं उठ के दौड़ पिया मैं फिर पिछों छडवी ना मार दे इन्हें गल बना ली कि मैं दौड़ा लवाती इंडस्ट्री का जो आर्टिस्ट है ना जी फिल्म इंडस्ट्री का उसमें सारी जिंदगी सुल्तान रही साहब नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे थिएटर का जो आर्टिस्ट है उसमें से सारी जिंदगी अमानुल्लाह साहब नहीं जाएंगे बिल्कुल सर ये दूसरी दफा इन्होंने डबल क्लैप ली है थिएटर में सलीम भाई के सामने ली थी आज इसमें लिए इसमें ली रिएक्शन उधर ही है ये तब का रिएक्शन फंसा पड़ा है सर को अगली गल है थोड़े को तो ये सरकार को अल्लाह पाक की तरफ से एक अनायत है सलीम भाई कभी हुआ कि किसी सीरियस जगह पे गए हो क्योंकि अक्सर हम फनकारों के साथ ये होता है कि कोई कॉमेडी का मैंने आज हंसा हो या मैंने कोई कॉमेडी दिया कोई गुग्गा गल सुना कि मैं हंस पावा नहीं लोग समझते कि ये 24 आवर कॉमेडियन है हाँ बंदा अपनी परेशानी से जा रहा है बंदे ने मेरी बांह फड़ कहता भाई यार दो जुगता कर दो मैं कह 100 वाली करनी 500 वाली किन्नी वाली करनी अच्छा वो लोग जो हम जुगता करते ना जी वो आदत पा देती है इन्होंने घर में बच्चे माशाल्लाह कोई है जो वालिद के नक्शे कदम पे है एक इनका बेटा है ना टिकटॉक बनाता है बड़ी अच्छी उनके साथ मेरा छोटा बेटा अभी चांद है वो बड़ा एक्टिव है इस काम में तो लेकिन अभी पढ़ रहा है साथ साथ क्रिकेट खेल रहा है एक मेरा बेटा बनाना चाहते हैं नहीं अब उसके जो नसीब है बन जाएगा जो जिसमें ज्यादा दिलचस्पी करेगा वही बनेगा तो घर में माहौल कैसा है बच्चों के साथ मैं अपने बच्चों के साथ दोस्त ही हूँ वेरी गुड मैंने इदा ही कहते अब्बा की हाल है कैसी रिलेशनशिप है आका जी बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे सलीम भाई बोल रहे हैं वैसे ही घर में बड़ा फ्रेंडली दोस्तों की तरह मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ मेरे दो बेटे हैं माशाल्लाह दो बेटियां माशाल्लाह अभी मैंने रिसेंटली अपने बेटे की शादी की एक अरे अल्लाह हू अकबर तो माशाल्लाह बिजनेस कर रहा है तो कभी हुआ कि आपने गुस्सा किया और बच्चे आगे से और बड़े ऐसा भास पड़े हो और आधी की जुगत कोई आप पे मार और आपको कहा हो कि आपके मुंह पे गुस्सा सूट नहीं करता नहीं 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 गुस्सा सूट करता है मेरे मुंह पे आपको ये इतला किसने दी
नहीं नहीं गुस्सा जब ये रिएक्ट करते हैं ना गुस्से वाला बहुत क्यूट लगता है, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। वाकई मैं गुस्से वाला आदमी हूँ नहीं, ये गुस्से का वो है जो होता है ना सलीम। तो भाई आपको आता है गुस्सा? नहीं मुझे इतना नहीं आता, जब आता है तो फिर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। सर जी मेरा एक सवाल है, सर जी आगा साहब, ये जो आपको आड़ू और गन्नट कहते हैं ये कब नाम पड़ा आपका? ये नहीं, ये मेरा मतलब मैं जब मैंने नया नया आड़ू खरीदा, ये नाम कहीं भाभी ने तो नहीं रखा आड़ू? नहीं ऐसे बंदे का नाम जीशान भी हो लोग यही कहेंगे वो मोटे बात सुनो। जीशान तो किसी हवाले से उनके साथ नहीं जाता। ये तो बात है, मैंने दर पैर झुकता कर रहे हो। मैं झुकत कर रहा हूँ, मेरी इतनी जिसारत फिर बिगड़ गया, फिर कुकू कहन लग अपना भी बता दे। अच्छा किसी शुस्ता से प्रोग्राम में पहली मर्तबा अपेयर हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं अपना शुस्ता दुरुस्त करें कि किसी शुस्ता शो में, वैसे आपका शो भी कॉमेडी शो है। कसम खा के बताएं इनमें से किसी की बात पे अभी तक आपको हंसी आई? कोई जिंदगी साड़ी तो भी नहीं आई है जे तक। वो तो इन्होंने तहिया किया हुआ कि नहीं है? नहीं नहीं मैंने अभी लाफ्टर दिया आपको। ओए डेड लाफ्टर दे रहे सर, आप कितनी बातों में लाफ्टर देते हैं सर? मुझे ये बताएं कैसा यही इनके एक्सप्रेशन है? वाकई सीरियस होते हैं या नहीं? मैंने आज तक 35 सालों मैंने इसको सीरियस लिया ही नहीं, लेकिन लोग डर जाते हैं। मैं वो कोशिश, लेकिन सर मैं आगे भाई को एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। नॉर्मल बात भी करते ना सर, मैं कहीं कभी अपने रिएक्ट से उस जुमले को ऐसा शानदार कर देते हैं इसमें ये जुमला गर्म हो जाता है। लव यू सर। बेहतरीन मजाक करने वाला वही। क्या बात है सर, जब कोई मजाक या बात कर रहा हो तो उसके चेहरे पे हसीना हसीना, और बोले भी ना तब भी लोग हंसे। आपको एक और गुण बताऊं सरकार का? बताएं क्या क्या? गाते बहुत अच्छा। हाँ, ये तो पता है, कोई नई बात नहीं। इनकी गायकी का भी फैन हूँ। अगर मैं दरखास्त करूँ आपसे कि कुछ सुना दीजिए अपनी मधुर आवाज में। वेलकम बैक टू जी सरकार। कॉमेडियंस के लिए बॉडी लैंग्वेज का होना कितना जरूरी है, जो किरदार वो कर रहे हो? असल होना ही बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कि आपका जुमला कुछ और कह रहा है, आपका फेस कुछ और कह रहा है, आपकी बॉडी कुछ और कह रही है, आपका फुटवर्क कुछ और कह रहा है, वो क्या कॉमेडी है? अभी मैं और ये एक थिएटर कर रहे थे बड़ी मशहूर मेरी इसकी बात में, इसे मुझे एक बात की ऐसे चलते ड्रामे में, तो मैंने इसे रिएक्ट किया, बहुत बड़ी क्लैप, मतलब तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी क्लैप हो। आउट हो गए दोनों, बाहर चले गए। मैंने इसको कहा, मैंने कहा सलीम कल इसी जगह इसी टाइमिंग से ये बात करना, दो क्लैपें होंगी। मुझे कहता नहीं होंगी। मैं कहा यार अगर दो क्लैपें नहीं होंगी मैं थिएटर छोड़ दूंगा। वही वक्त टाइम आ गया, उसी टाइम पे उसी टाइमिंग पे इसने मुझे बात की, उतनी बड़ी क्लैप हुई, मैं एग्जिट होने लगा। ये एग्जिट गेट पे मैं चला गया तो मैंने वहां रुक के ना इसको सिर्फ यूं करके देखा है, फिर क्लैप फिर दोबारा शुरू हो गई। मैंने इसको सेट पे कहा, मैंने कहा भाई दो हो गए। वाह 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 वाह। मैं अगर दरखास्त करूं कि वो क्या बात थी, तो क्या अगर तो वो मुहज्जब बात थी? नहीं नहीं मुहज्जब बात थी, वो नहीं अच्छी बात, पहले की बात है ऐसा ही उस वक्त ऐसा काम नहीं था। हल्का पहले जितने लोग थे वो ड्रामा याद करते थे, अब सिर्फ बातें याद करते हैं।